हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो अभी आपका DCM का MTS 09 है, ये मेजर टेस्ट 9 है। तो अभी अपन इसमें मैथ्स का आपका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। फुल सिलेबस टेस्ट है ये आपका, आपको पता है मेजर है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। माई सेल्फ देवेंद्र अग्रवाल, टीम मैथ CLC सीकर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट, ठीक है? तो सबसे पहले देखो आप क्या करेंगे अपन। फर्स्ट ऑप्शन है अपना डोमेन ऑफ दिस इज 2 से 3। तो अपने को ऑप्शन देखने हैं कौन सा करेक्ट है और इनकरेक्ट है। तो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो आप देखो, एक काम करो, आप छोटा सा क्या करो कि इसमें जो अपने को रेंज डोमेन दे रखा है वो क्या देखा है, 2 से 3 दे रखा है। डोमेन यदि 2 से 3 दे रखा है तो एक काम करते हैं अपन, डोमेन अपने को देखा है 2 से 3। तो 2 से 3 में से ना आप वैल्यू पुट करके देख लो, है ना। यहां पर क्या है, GIF(x) है। आप 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर रखोगे तो उसका GIF क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 इसका स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 - 4, 0। तो यहाँ पर लॉग क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका डोमेन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन अपने लिए सही है। सेकंड पे चलते हैं अपन। ये कह रहा है कि ये एक ऑड फंक्शन है, तो चेक कर लेते हैं f(-x) फाइंड करा जाए। तो f(-x) जब फाइंड करेंगे अपन तो देखते हैं क्या आता है, 16 to the power -x - 1 अपॉन में क्या आएगा, 4 to the power -x। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, इसको आप सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, 16 to the power -x। LCM लोगे आप तो क्या आ जाएगा, 1 - 16 to the power x अपॉन, आप देखो इसको लिखोगे 1/4 to the power x, और यहां से जो आएगा तो कैंसिल आउट हो गया। नीचे क्या बचेगा, 4 की पावर x बचेगा। आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये बनेगा 16 to the power x - 1/4 to the power x विच इज fx। सो फंक्शन इज ऑड, फंक्शन ऑड है तो इसका मतलब ये अपना इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं है। आगे चलते हैं, इफ f1x एंड f2x आर पीरियोडिक फंक्शन देन f1x प्लस f2x मस्ट बी पीरियोडिक। ना, जरूरी नहीं है, वो नॉन पीरियोडिक भी हो सकते हैं। जैसे अपन एग्जांपल ले लें, एक साइन एक्स फंक्शन ले लेते हैं और दूसरा फ्रैक्शन पार्ट एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शन पार्ट एक्स ले लेते हैं ना। दोनों के दोनों पीरियोडिक हैं बट दोनों का सम पीरियोडिक नहीं है ना, दोनों का सम पीरियोडिक नहीं है। और चलते हैं आगे अपन, इफ f(g)x कैन बी डिफाइंड एंड f(x) इज ऑन टू देन f(g)x इज मस्ट बी ऑन टू। कोई जरूरी नहीं है, gx यदि इन टू होगा हमारा, है ना, gx यदि इन टू होगा तो उसके बारे में अपन नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये भी क्या है, इनकरेक्ट हो सकता है। अच्छा, ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट हो सकता है। तो क्या है अपना, एक थर्ड, बस फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, लेट माना fx इक्वल टू दिस वेयर दिस रिप्रेजेंट gif, देन कौन सा ऑप्शन सही है, चेक कर लेते हैं। आप देखो, x जब लेस देन 0 है तो ये कहानी है और ग्रेटर देन 0 पर नीचे वाली कहानी है। तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले अपन चेक करते हैं कंटिन्यूटी कहां पर, x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं, ठीक है। तो 0 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, 0 से छोटा नंबर रखूंगा। तो 0 से छोटे नंबर का स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, एक 0 से जस्ट बड़ा नंबर आएगा स्क्वायरिंग करने पर, तो क्या आएगा उसका GIF 0 माइनस 1 की पावर 0 क्या आएगा अपना 1 आएगा। तो LHL आ रहा है अपना 1। RHL की मैं बात करूं तो जब 0 से जस्ट बड़ा नंबर रखोगे आप, उसकी पावर इन्फिनिट होगी तो किसको टेंड करेगा, वो 0 को। तो यहां पर क्या बचेगा, 1/1 दैट इज 1। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो सेकंड ऑप्शन अपना सही है। यदि मैं x इक्वल टू 1 की बात ये कर रहा है तो 1 पर भी चेक कर लेते हैं अपन कंटिन्यूटी। तो 1 पे चेक करने के लिए देखो क्या होगा, आप सारा खेल इसका है, a की पावर x है और x किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिट को। तो आपको पास, आपको सॉरी, आपको पता है, क्या पता है, a की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 होगी तो ये वैल्यू किसको टेंड करेगी, इनफाइनाइट को। यदि ए की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये किसको टेंड करेगी, 0 को। तो वही वाला कंसेप्ट अपना पास है ना। तो 1 के RHL चेक करूंगा मैं, 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू पर जब पावर इनफाइनाइट होगी तो किसको टेंड करेगा, इनफाइनाइट को। तो 1/1 में इनफाइनाइट क्या होगा, 0। तो इसका मतलब RHL निकालूंगा मैं x इक्वल टू 1 पर, तो वो आ रही है आपकी 0। यदि मैं LHL की बात करता हूं तो LHL के लिए आप देखो, 1 से छोटी वैल्यू का पावर इनफाइनाइट होगा तो ये किसको टेंड कर जाएगा, 0 को। तो 1/1 + 0, तो क्या आ जाएगा, 1/1 + 0, यानी कि ये हो जाएगा सीधे सीधे अपना 1। तो LHL आ रहा है अपना 1, तो LHL आ रहा है 1, RHL आ रहा था 0। इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ये ऑप्शन अपना गलत है। थर्ड, f1 की वैल्यू हाफ आ रही है क्या, f1 की वैल्यू एक्जैक्टली x इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, ये हाफ आ जाएगा, ये भी सही है, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। अब आप देखो, k क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर है। k यदि पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका स्क्वायर करोगे आप तो क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, और k आ जाएगा तो अब ये कह रहा है आपसे, क्या ये डिसकंटिन्यूस होगा x इक्वल टू माइनस ऑफ रूट k पर, चेक कर लेते हैं। देखो, माइनस ऑफ रूट k का स्क्वायर हो गया यहाँ पर k। अब k क्या है, एक इंटीजर है, तो इंटीजर पे क्या होगा, आपको पता है GIF क्या होता है,
डिसकंटिन्यूस होता है, और डिसकंटिन्यूस होता है तो क्या होगा, के की वैल्यू जब के से जस्ट बड़ा नंबर के लिए आप चेक करोगे, RHL चेक करोगे, तो के पॉजिटिव के लिए तो क्या आएगा, ये के आएगा GIF, तो यानी कि माइनस वन की पावर के। लेकिन के से छोटे नंबर के लिए आप रखोगे जब, तो के नेगेटिव के लिए क्या आएगी इसकी वैल्यू, के माइनस वन, और के माइनस वन आएगी तो ये जो पावर है एक बार तो रहेगी इवन और दूसरी बार क्या हो जाएगी ऑड। मान के चलो के यदि इवन इंटीजर रहा होगा तो पहली बार में RHL कितना आएगा, प्लस वन, और LHL क्या हो जाएगा, माइनस वन। लेकिन बात करूं ऑड इंटीजर के लिए तो ऑड इंटीजर पे क्या होगा, RHL तो आएगी आपकी माइनस वन बट LHL क्या आएगी, प्लस वन। तो यहां पर भी क्या है, डिसकंटिन्यूस होगा, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी अपना सही है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन अपने सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड गामा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वेयर ए एंड बी आर ग्रेटर देन जीरो, ए एंड बी कैसे दे रखे हैं अपने को, पॉजिटिव दे रखे हैं, कह रहा है देन क्या होगा, चलो देखते हैं। तो पहले बताओ मेरे को आप, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा यहां से, 2a, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा यहां से, बी स्क्वायर। और आगे चलते हैं, यहां जाओ तो गामा प्लस डेल्टा ये तो आ जाएगा 2b, और गामा इंटू डेल्टा आ जाएगा अपना ए स्क्वायर। तो अब आपसे क्या कह रहा है इसमें, ए एम जी एम, अच्छा अल्फा बीटा क्या अर्थमेटिक मीन इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ गामा डेल्टा, चेक कर लेते हैं आप। तो देखो आप, अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू किसके इक्वल आ रहा है, ए के, और यहां जाओ ए किसकी वैल्यू है, अंडर रूट ऑफ गामा डेल्टा। तो इसका मतलब क्या हो गया, गामा डेल्टा का ज्योमेट्रिक मीन इक्वल है अर्थमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है। जस्ट इसका रेसिप्रोकल रिवर्स में, क्या कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अल्फा बीटा यानी कि ये, तो बी की वैल्यू क्या आ गई यहां से, अंडर रूट ऑफ अल्फा बीटा, और यहां से आप देखो बी की वैल्यू क्या आएगी, गामा प्लस डेल्टा अपॉन टू। तो इसका मतलब ये भी बी के इक्वल, वो भी बी के इक्वल, दैट मींस अर्थमेटिक मीन ऑफ गामा एंड डेल्टा इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी अपना सही है। अब थर्ड और फोर्थ पर आ जाते हैं अपन। तो थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है अपने, उनमें आप ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है कि अल्फा प्लस बीटा गिवन है अपने को और गामा प्लस डेल्टा, तो आप क्या करो इन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये आ गया मेरे पास, और इन दोनों का सम करूंगा ना मैं, तो टू कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी। अब ध्यान से देखो, ए क्या था अपना, ए था अपना अंडर रूट अल्फा बीटा, तो मैं ऐसा करता हूं यहां पुट कर देता हूं अंडर रूट अल्फा बीटा, और बी को पुट कर देता हूं अंडर रूट गामा डेल्टा। तो एक काम करें अपन, लेफ्ट में इसको ट्रांसफर कर लेते हैं और अपना काम हो जाएगा। आप देखो टू अंडर रूट अल्फा बीटा है, इसको इधर ले आओ लेफ्ट में, तो ये बन जाएगा रूट अल्फा माइनस रूट बीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया रूट गामा माइनस रूट डेल्टा का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और आपको पता है दोनों ही कैसे हैं, नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं, तो आपको पता है कि इफ द सम ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स इज जीरो देन ईच इंडिविजुअल टर्म इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी जीरो होगी और इसकी वैल्यू भी जीरो होगी, तभी पॉसिबल है कि इन दोनों का सम क्या हो जाए, जीरो। तो इसका मतलब क्या निकल गया यहां से, अल्फा इक्वल टू बीटा एंड गामा इक्वल टू डेल्टा, अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया और गामा इक्वल टू डेल्टा। अब हम चेक कर लेते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल हैं आपस में, तो एक काम करते हैं यहां से वैल्यू रख लेते हैं ना। अब देखो अल्फा और बीटा इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू टू ए कह सकता हूं मैं, तो टू अल्फा बराबर टू ए, तो अल्फा बराबर क्या आ गया, ए, तो अल्फा बराबर आ गया ए, और बीटा के बारे में सोचो ऐसे बीटा के बराबर में भी ए आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू ए। अब बी की बात कर लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू बी, अल्फा की वैल्यू बी भी आ गई, तो अल्फा की वैल्यू ऑल्सो इक्वल टू बी, इसका मतलब ए इक्वल टू बी ऑल्सो। तो अपने पास क्या समझ में आ गया कि ए इक्वल टू बी है, और ए इक्वल टू बी है तो अब आप आ जाओ यहां पर, अब आप आ जाओ यहां पर ए इक्वल टू बी है, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि गामा और डेल्टा इक्वल हैं किसके, ए स्क्वायर के। तो यहां से निकल के आ रहा था गामा इक्वल टू ए, तो गामा ए के भी इक्वल है और अल्फा भी ए के इक्वल है और अल्फा बीटा के इक्वल है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ रही होगी बात कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू ए इक्वल टू बी था, इसका मतलब ए यदि गामा के इक्वल है तो ये गामा के इक्वल हो जाएगा, और गामा किसके इक्वल था, डेल्टा के, तो सब कुछ आपस में इक्वल हो गया, कौन कौन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। यदि अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल हैं तो अपन कह सकते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा एपी में भी होंगे और जीपी में भी होंगे और एचपी में भी होंगे, तो कुल मिला के थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी सही होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। द इक्वेशन दिस वन इक्वल टू ए हैज रियल सॉल्यूशन फॉर दिस, ओके। सबसे पहले अपने को बताना है कि ये इक्वल टू ए है तो इसका रियल सॉल्यूशन किसके लिए होगा, ए की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करें अपन छोटा सा, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इक्वल टू ए है, तो मैं इसको ये लिख दूं क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर,
लिख सकता हूं। अब आप इसको एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो क्या बन जाएगा, 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x एज यू नो। तो क्या आ गया यहां से, साइन स्क्वायर 2x आ गया इक्वल टू, साइन स्क्वायर 2x इक्वल्स टू क्या आ गया, a माइनस 1 इंटू 2 विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन है ना, माइनस साइन मैंने वहां ट्रांसफर कर दिया। तो अब देखो साइन स्क्वायर x की रेंज क्या होती है, 0 से 1 होती है, साइन स्क्वायर 2x की रेंज यदि 0 से 1 होगी इसका मतलब राइट साइड में जो लिखा हुआ है, कौन लिखा हुआ है, 2 इंटू ए माइनस 1 विद नेगेटिव साइन, इसकी रेंज भी 0 से 1 होगी, और इसकी रेंज यदि 0 से 1 होगी तो इसका मतलब एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लो है ना, माइनस 2 से डिवाइड कर दो, तो 0 ए माइनस 1 माइनस 2 तो साइन चेंज हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं अपन, एक साथ कर दो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, है ना, आप क्या करो इसको लिख लेते हैं पहले ना, माइनस 2a प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब पहले 2 माइनस कर दो, तो माइनस का 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन माइनस 1, कौन, माइनस 2a। अब माइनस 2 से आप डिवाइड कर दो, तो माइनस 2 से डिवाइड करो क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, हाफ, और साइन क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी का चेंज। वेन एवर वी मल्टीप्लाई एनी इनइक्वलिटी विद नेगेटिव क्वांटिटी देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंजेज। तो क्या हो गया, a का रेंज आ गया हाफ से 1, a का रेंज आ रहा है हाफ से 1, तो देख लो और फॉर ऑल वैल्यूज ना, सारी वैल्यूज के लिए तो नहीं होगा, क्या होगा, वैल्यू हाफ इंक्लूड करनी है बिल्कुल, a की वैल्यू 7/10 हाफ से 1 के बीच में आती है बिल्कुल, a की वैल्यू 1 इंक्लूड करनी है, तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस आर करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है, इफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑन द एलिप्स दिस मीट द मेजर एंड माइनर एक्सिस एट जी एंड स्मॉल जी सच दैट पी जी अपॉन पी जी अपन देखा है 1:5 एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एस बी इज 10। तो एक काम करते हैं, आपसे क्या कहना चाह रहा है, देखो ये सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास एक इलिप्स है, इलिप्स में एक नॉर्मल ड्रॉ किया आपने पॉइंट पी पर, तो ये जो नॉर्मल है ना वो इसको कैपिटल जी और इसको स्मॉल जी पर कट कर रही है, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि यदि ट्राइंगल ये एस इसका फोकस है, सी इज द सेंटर एंड बी इज द वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस है ना, तो ये अपने गिवेन है, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा ना, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना है 10, कितना देखा 10, तो बताओ जरा एरिया क्या होगा इसका, AE, 0 होगा S के कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, B, तो बताओ जरा एरिया क्या आ जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस क्या हो गया 2A, 2AE और हाइट कितनी होगी B, तो यहां से मिलके मेरे को वैल्यू मिल गई AB * E, 2 नहीं आएगा ना, AB * E की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई, तो AB * E की वैल्यू 20 आ गई। तो एक काम करो आप छोटा सा, आपके पास जो गिवन है, क्या गिवन है, पी जी अपॉन पी जी का जो रेशियो है वो 1:5 है, तो एक प्रॉपर्टी है ना आपको पता है, पी जी अपॉन पी स्मॉल जी जो होगा वो रेशियो इक्वल होता है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के, ठीक है ना, इसको आप निकाल भी सकते हो आराम से इक्वेशन नॉर्मल निकाल के, एक बार एक्स जीरो एक बार वाई जीरो। अब चलते हैं आगे अपन, तो यहां से क्या मिल गया मेरे को, ये इक्वल है 1/5 के, तो यहां से मेरे को मिल गया क्या कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी किसके, 5 बी स्क्वायर के। अब एक रिलेशन आपके सामने ये है, एक रिलेशन मेरे सामने ये है, तो इसका स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करके ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, इसको मैं लिख रहा हूं, रीराइट कर लेते हैं इसको अपन, देखो आ जाओ ए बी ई, एक मिनट, यस ए बी ई की वैल्यू कितनी आई 20, यहां से क्या जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 400, और अब अपन क्या कह सकते हैं बड़े आराम से, अब अपन कह सकते हैं कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो आप, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर 400। अब आप एक काम करो, यहां से वैल्यू उठा लो किसकी, ए स्क्वायर की, तो कितना हो गया 5 बी स्क्वायर, तो कितना बचेगा 4 बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर 400, तो कितना आ गया बी स्क्वायर का वैल्यू 10 आ गया, और बी स्क्वायर का वैल्यू यदि 10 है तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। सोचो आप 10 को रखूंगा जब मैं यहां, कहां पर, यहां पर, तो 10 रखा तो 10 इंटू 5 50 आ गया, तो a स्क्वायर आ गया 50, तो इक्वेशन ऑफ फिलिप्स क्या हो जाएगी, क्या थी इक्वेशन ऑफ फिलिप्स, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर दैट इज 50 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दैट इज 10 इक्वल टू 1, तो इक्वेशन ऑफ फिलिप्स आ गई मेरे सामने। अब देखो इसको कंपेयर कर लेते हैं अपन, आ जाओ इक्वेशन ऑफ फिलिप्स, तो एक काम करते हैं अपन, एक सेकेंड, है ना, एक मिनट रुको, तो ये आ गया, देखो आप ध्यान से,
इक्वेशन ऑफ फिलिप्स क्या आ गई, देखो इक्वेशन ऑफ फिलिप्स आ गई अपने पास, x² + x² / 50 + y² / 10 = 1 इक्वेशन ऑफ फिलिप्स आ गई। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल क्या होगी बताओ, x² + y² = 2a² बोले तो 2 × 50 कितना आ गया 2a² सॉरी इक्वेशन ऑफ इलिप्स डायरेक्टर सर्किल क्या होता है x² + y² = a² + b² इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल क्या होता है x² + y² = a² + b² तो क्या आ जाएगा अपना सिंपल x² + y² = 60 आ गया और लास्ट में क्या 30 वो नहीं होगा ना, तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट, यस क्वेश्चन नंबर 6, लेट द यूनिट वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड अनदर यूनिट वेक्टर सी वेक्टर बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो देखो ए वेक्टर दो और बी वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं दोनों, है ना, तो ए डॉट बी तो क्या हो जाएगा 0। अब सारे सारे क्या है यूनिट वेक्टर्स हैं ए बी और सी। अब आपसे क्या कह रहा है, जो सी वेक्टर है ना वो ए और बी के साथ झुका हुआ है कितने थीटा एंगल पर। अब कह रहा है कि इफ सी वेक्टर बराबर है अपने पास ये, देन विच ऑफ दी फॉलोइंग आर करेक्ट, तो एक काम करो आप इस सी को ना पहले ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दो, तो ए के साथ मैं डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा तो क्या हो जाएगा ए डॉट ए तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, अल्फा बचेगा तो यहां से ये तो क्या हो गया ए डॉट बी 0 और वो भी क्या हो जाएगा 0, तो अपने पास आ गया ए डॉट सी बराबर क्या आ गया अल्फा आ गया। अब दूसरी बात, इसको आप बी से मल्टीप्लाई करा दो एक बार तो क्या हो जाएगा बी से डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो क्या आ जाएगा बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट सी, ए डॉट सी क्या हो जाएगा ए डॉट सी, ए डॉट सी आ जाएगा अपना मेरे ख्याल से, एक मिनट रुको, मैंने किससे कराया अभी, पहले डॉट प्रोडक्ट कराया था किससे, पहले मैंने डॉट प्रोडक्ट कराया था है ना ए से, तो ए डॉट सी बराबर आ गया अल्फा। अब मैंने करा दिया किससे बी से, तो ए डॉट बी तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बी डॉट बी क्या हो जाएगा बी, तो यहाँ से बीटा आ जाएगा और आगे ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास बी हो गया, अब सी से करा देना अपन एक बार तो क्या आ जाएगा, सी से कराएंगे तो बी डॉट सी मिल जाएगा, या फिर एक काम करते हैं ना अपन ए और सी कैसे यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए सी कॉस थीटा, सी किस एंगल के साथ इंक्लाइंड है ए और बी के साथ थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए सी कॉस थीटा, और ए और सी कैसे वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर्स, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या आ गया अल्फा आ गया, कॉस थीटा बराबर क्या आ गया अल्फा, और यहाँ से क्या आ गया कॉस थीटा बराबर बीटा, तो अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया, तो पहला ऑप्शन तो मिल गया मेरे को अल्फा इक्वल टू बीटा, और भी ऑप्शन देख लेते हैं अपन चेक कर लेते हैं, तो एक काम करो आप स्क्वायर कर लो है ना, बीटा का स्क्वायर कर दो, बीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा बताओ, बीटा स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 + cos 2θ / 2, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी आ रहा है, और चेक करो और क्या चाहिए अपने को, यहाँ गामा चाहिए, तो गामा का मतलब तो क्या हो गया अपने को इसका यूज करना है, तो इसका यूज करना है, तो एक काम करो आप जो अपने पास दे रखा था ना सी वेक्टर इक्वल टू अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर प्लस गामा ए क्रॉस बी, एक काम करो आप इसका मॉडुलस ले लो, क्या ले लो मॉडुलस, और इसका क्या कर दो आप स्क्वायरिंग कर दो है ना स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सीधे लिख दूं मैं, क्या लिख दूं सीधे मैं यहाँ पर, तो क्या हो गया 1, क्या कर दिया मैंने स्क्वायरिंग कर दी है ना, स्क्वायर ले लिया दोनों तरफ तो ये तो हो गया 1। अब इसका क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दें अपन, तो इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा अपना सीधे अल्फा स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 1, यूनिट वेक्टर्स हैं सारे के सारे, यहाँ क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा गामा का स्क्वायर आ जाएगा, और अंदर क्या आएगा ए बी साइन थीटा, यानी कि क्या हो गया ए का मैग्नीट्यूड 1 बी का मैग्नीट्यूड 1 और साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गामा स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सही है, और साथ में क्या आएगा 2ab, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 2 × इन दोनों डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट भी 0 और इसका भी 0, तो कुल मिला के बाकी सब क्या आ जाएंगे अपने 0 आ रहे हैं, तो सोचने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, अब अल्फा और बीटा क्या थे इक्वल थे, तो अल्फा बीटा इक्वल थे तो इनको लिख दो 2α², तो एक काम करते हैं ना अपन थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको अपन, तो 1 बराबर क्या आ रहा है 2α² प्लस गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन थीटा को चेंज कर लेते हैं मैं किस में कॉस में, तो साइन को यदि कॉस में चेंज करोगे तो इसको लिखोगे आप 1 − cos²θ, ठीक है, तो 1 − cos²θ लिख लिया। अब एक काम करो इसको तो दे ले आओ 2 − 1 − 2α² और बराबर में क्या आ गया गामा स्क्वायर इंटू 1 − cos²α, तो इसको ले आते हैं अपन नीचे। अब जरा चेक करो क्या क्या मेरे को मिल गया, गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 − 2α², यानी कि थर्ड ऑप्शन तो नहीं होगा 1 − α² आ रहा है नीचे, और ये को इसको चेक करो ये आ रहा है क्या 1 − cos θ, वो गामा स्क्वायर आ रहा है माइनस का cos θ आ रहा है क्या, चेक करो
तो 2 अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू क्या थी कॉस थीटा, तो एक काम करते हैं ना यहाँ पे रख दो आप कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, एक मिनट रुको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है अपनी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब हो गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो यहां से कुछ और भी आ जाएगा क्या, एक मिनट, साइन थीटा नहीं था ना, एंगल ए और बी के बीच में एंगल कितना था अपना, ए और बी के बीच में एंगल तो 90 था ना, है ना, ए और बी के बीच में एंगल कितना था अपना 90, तो ए और बी के बीच में एंगल यदि 90 है तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया अपना 1 हो गया, और ये 1 हो गया तो क्या बचा इसका मतलब गामा स्क्वायर, तो यहां पर क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा, यहां 1 आ गया इसका मतलब क्या हो गया गामा स्क्वायर इक्वल टू, ये कुछ भी नहीं आएगा 1 आएगा, तो गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर आ गया, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन अपना सही है। और लास्ट अपन चले यहां पर, तो यहां पर आप देखो ध्यान से ये भी चेंज हो रहा है क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है कॉस थीटा, तो 1 माइनस 2 कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 2 थीटा, इसका मतलब फोर्थ थर्ड ऑप्शन भी सही है, चारों ऑप्शन सही है इसका मतलब इसके, ठीक है चले आगे नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 7th क्या कह रहा है आपसे, इफ अपने को इंटीग्रल दे रखा है दिस इक्वल टू दिस, तो ए और बी में रिलेशन बताना है अपने को, एक काम करता हूं छोटा सा, आप देखो इसको ना परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो कैसे भी करके, है ना, तो आप देखो कैलकुलेट करोगे ना इसको तो रूट 2 कॉमन लो, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा अंदर x माइनस 2, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस रूट 2 का ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। और यहां पर आप चेक करोगे ना तो ये बनेगा क्या माइनस के साथ, यानी कि माइनस ऑफ रूट 2 का होल स्क्वायर बनेगा dx, और इसका इंटीग्रेशन 3 टू 5 लिमिट के साथ, ठीक है। अब एक काम करो छोटा सा, आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालो, आप अब स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ये तो वैल्यू कैसी देगा ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन ये जो होगा ना बीच में माइनस साइन की वजह से क्या होगा इसमें अपने क्या लगा लेते हैं मॉड, तो यहाँ तो क्या आ गया सिंपली अपने पास अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस रूट 2, लेकिन यहाँ पे अपन को लगाना पड़ेगा मॉडुलस ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 2 माइनस रूट 2, और इसकी लिमिट क्या है अपनी 3 टू 5, और यहाँ पर है dx। अब आप ध्यान से देखो लिमिट 3 से 5 में बीच में एक 4 क्रिटिकल पॉइंट अपना 4 ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर अपना इंटरवल अपन ब्रेक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 माइनस 2 क्या हो गया 2, तो रूट 2 माइनस रूट 2 क्या हो गया 0, मतलब इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है अपना 4, क्या है 4, x इक्वल टू 4, तो इसको आप ब्रेक कर लो, आंसर आ गया आपका बस 3 टू 4 अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस रूट 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 2, तो 3 से 4 में कैसा खुलेगा ये नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ेगी 4 के बाद, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी 4 के बाद, तो यहाँ पर तो ये कैसा खुलेगा नेगेटिव, तो एक काम करते हैं इसको अपन नेगेटिव कर देते हैं, देखो ये तो माइनस और यहाँ भी माइनस आएगा ना, तो सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस रूट 2, ये आ गया अपना 3 से 4 में dx, और ऐसे क्या हो जाएगा 4 टू 5 में हो जाएगा यहाँ पर, है ना 4 टू 5 में, 4 टू 5 में क्या होगा ये कैसा खुलेगा पॉजिटिव खुलेगा मॉड, ठीक है ना, तो यहाँ पर तो क्या हो गया अपना इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया ये 2 रूट 2, तो यहाँ तो आ जाएगा 2 रूट 2 3 से 4 में dx प्लस यहाँ क्या बताऊँ यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 2, यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होगा रूट 2 कैंसिल आउट होगा, किसमें लिमिट 4 टू 5 में, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, आप बताओ क्या आ जाएगा इसका, तो क्या आ गया ये तो आ गया आपका ये, अच्छा लिमिट थी 3, ठीक है तो ये क्या आ जाएगा अपना बताओ, ये आ जाएगा 2 रूट 2, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो गया x हो गया, तो अंदर क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या हो जाएगा अपना x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर 3 बाई 2 इंटू 2 बाई 3, सही है, और लिमिट क्या लगानी है अपने को 4 टू 5, इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना a और b की वैल्यू आ जाएगी इससे, कर लोगे आराम से। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस सम ऑफ रेशनल टर्म, सम ऑफ रेशनल टर्म पूछ रहा है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बताओ मेरे को दोनों का एलसीएम लो, आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 की पावर हाफ और यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 1 अपॉन 5 और होल टू द पावर क्या है 10, तो देखो आप इन दोनों का एलसीएम लोगे ना 10 ही आएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 10, तो रेशनल टर्म पर रेशनल जो टर्म्स आएंगी वो कब आएंगी पता है, रेशनल टर्म एक तो आएगी 10 सी 0 2 की पावर हाफ की पावर 10 और इसकी सेकेंड टर्म की पावर क्या हो गई 0, एक तो इसमें ये रेशनल टर्म मिलेगी मेरे को, और दूसरी जो रेशनल टर्म मिलेगी ना सीधे लास्ट वाली मिलेगी, कौन सी 10 सी 10 2 की पावर हाफ की पावर तो क्या हो जाएगी 0 और 3 की पावर जो 1 अपॉन 5 है इसकी पावर क्या हो जाएगी 10, दो ही इसमें रेशनल टर्म्स मिलेंगे,
अच्छा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे अपने इसमें, पावर कितनी है 10, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 11, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने अपने 11, तो सारे के सारे रियल तो होंगे ही है ना, कहीं भी रूट के अंदर माइनस साइन या इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं आ रही, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 11। नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितने बचेंगे, दो रेशनल हैं तो बाकी सब बच्चे कैसे इरेशनल, तो 9 इरेशनल हो गए। अब सम निकालना था ना रेशनल टर्म्स का, तो सम और कर लेते हैं फटाफट से, बताओ क्या हो जाएगा, 10 सी 0 कितना हो गया 1, 2 की पावर हाफ की पावर 10 क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 कितना होता है 32, ये सब आप याद रखें 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 12 तक है ना, और यहां पर क्या आ गया अपना ये 1 और ये 2 की पावर 0 और ये अपना हो जाएगा 3 की पावर 2 यानी कि 9, तो कितना आ रहा है इनका सम 41 आ रहा है सम इसका है ना, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा सही। आगे चलते हैं, If Z is a complex number satisfying the inequality this, then, तो बताओ, तो एक काम करते हैं अपन, क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है Z एक complex number है जिसका इससे distance क्या है हमेशा 1 से छोटा है या उसके equal है, तो आप argument और mod of Z की बात कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं पहले इसको देखो सोचो क्या है ये, Z मान लिया मैंने x plus iota y है ठीक है, तो क्या बन गया ये x minus 1 का whole square plus y minus 2 का whole square less than equal to क्या आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, तो सिंपल सा आप देखो ध्यान से, तो क्या बन रहा है एक सर्किल बन रहा है जिसका रेडियस कितना है 1 से कम और दूसरी सेंटर क्या आ रहा है 1.2, तो देखो जरा 1.2 यहाँ ले लूँ मैं, तो एक सर्किल जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है और कुछ ऐसे है ठीक है, तो देखो इसका मैक्सिमम आर्गुमेंट कितना होगा आपको दिख रहा होगा साफ ये लाइन, तो मैक्सिमम आर्गुमेंट तो कितना होगा इसका 2, तो पहला ऑप्शन मैक्सिमम आर्गुमेंट तो कितना हो गया 2, तो ये अपना मैक्सिमम आ गया, मिनिमम वाला भी चेक करना था, मिनिमम वाला कहाँ आएगा बताओ, मिनिमम वाला आएगा अपना इस पॉइंट पर, तो एक काम करते हैं अपने को सेंटर गिवन है 1.2 इसको ज्वाइन कर दो आप ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है जरा चेक करें, ये इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं ए सी बी ठीक है, अब ये बताओ ये डिस्टेंस कितना आएगा ओ सी, ओ सी डिस्टेंस आ रहा है क्या 5, बिल्कुल आ रहा है ना 1.2 से ओरिजिन की डिस्टेंस, अब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है इसकी रेडियस, और रेडियस कितनी थी इसकी 1, तो ये 1 हो गई, ये हो गया √5, ये हो गया 1, तो एक काम करता हूँ इस एंगल को मैंने मान लिया अल्फा और जो मेरे को निकालना है उसको मैंने मान लिया थीटा, तो एक काम करते हैं अपन अल्फा के लिए टेन अल्फा कितना होगा जरा बताओ, ये 1 है ये √5 है, तो ये कितना आ गया 2 आ गया, क्या आ गया ओ ए बराबर 2 आ गया, तो ओ ए की वैल्यू आ गई 2, तो टेन अल्फा की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 1/2। दूसरी बात अब आप मेरे को बताओ ये अल्फा है ये थीटा है, तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया कहाँ से C से X एक्सिस पर, तो अल्फा प्लस थीटा एंगल के लिए ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास ओ एम सी, इस ट्राइंगल ओ एम सी में टेन अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी ये हो जाएगी, इसका X कोऑर्डिनेट कितना है 1, Y कितना है 2, तो कितना आ गया 2/1, अब इसमें आप टेन ए प्लस सी का फॉर्मूला लगा दो, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, जिसमें आपको पता है क्या पता है टेन अल्फा की वैल्यू 1/2, तो टेन अल्फा की वैल्यू 1/2 रख के टेन टाइम की वैल्यू आप निकाल लोगे ठीक है, तो यहाँ से अपना आर्ग्यूमेंट आ जाएगा ये भी आ जाएगा है ना, इसके बाद अपनी बात कर रहा है मिनिमम ऑफ मॉड जेड, तो मिनिमम क्या होगा अपना मिनिमम ऑफ मॉड जेड क्या होगा बताओ, दिस डिस्टेंस ओ इसको मान लेते हैं अपन पी और इसको मान लेते हैं ओ क्यू, तो मिनिमम तो क्या हो जाएगा ओ पी और मैक्सिमम क्या हो जाएगा ओ क्यू ठीक है ना, तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा बताओ √5 + 1 और मिनिमम क्या आएगा √5 - 1, तो कुल मिला के अपना मिनिमम ऑफ जेड, तो कुल मिला के इसके चार ऑप्शन अपने सही हैं। आगे चलते हैं, चलो If this equal to lambda then has exactly two real solution, then find least integral value of lambda. अपने को कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है lambda है, तो बताओ इसके least integral value of lambda क्या होगी, तो एक काम करता हूँ मैं पहले ये अपने को जो दे रखा है ना उसको आप सिंपल ले लो x² - x + 3 equal to lambda है ना, इसका ना पहले क्या बना लेते हैं अपन थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा देखो आप x² - x + 3 इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ fx मान लेते हैं इसको अपन और उसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं अपन ठीक है ना, चलो ग्राफ बनाते हैं इसका, तो क्या आएगा ग्राफ बताओ एफ एक्स का ग्राफ होगा इसका जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है x - ½ का होल स्क्वायर - 1/4 यानी क्या हो गया 4 × 3 = 12, तो प्लस का क्या आ गया 11/4 आ गया, तो x इक्वल टू हाफ पर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी 11/4, तो एक क्वाड्रेटिक जो x इक्वल टू हाफ पर मिनिमम वैल्यू रखता है 11/4, तो यहाँ पर रख लें अपन मिनिमम वैल्यू, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन गया ठीक है, ग्राफ बन गया बस कहानी खत्म,
अब बताओ ग्राफ आ चुका है आपके सामने, क्या है ये 1 बाई टू कॉमा 11 बाई फोर। तो एक बात बताओ मेरे को आप, जो एफ एक्स है उसमें वो क्या कहना चाह रहा है आपसे? ये कहना चाह रहा है कि जो एफ एक्स अपने फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन में एफ ऑफ, पहले इन्होंने क्या मॉड एक्स भी लिया है, यानी कि मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस थ्री, और इसका होल मॉड एक्स की वो बात करना चाह रहा है आपसे, किसकी होल मॉड एक्स की। तो अब देखो हो रहा है ना एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस थ्री का होल मॉड, ठीक है, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स, किसका मॉड एफ ऑफ मॉड एक्स का होल मॉड क्या हो जाएगा अपना, आपको पता है इसका ग्राफ तो क्या हो जाएगा अपना एफ ऑफ मॉड एक्स का सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो ग्राफ ये बन जाएगा, तो फाइनल ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा ये, ठीक है। अच्छा ये इंटरसेक्ट कहां कर रहा है ये चेक कर लें जरा अपन, तो अपन क्या करें एक्स की वैल्यू जीरो रख दें, तो एक्स की वैल्यू जीरो पे वाई की वैल्यू कितनी आ रही है थ्री आ रही है, तो ये पॉइंट आ गया अपना जीरो कॉमा थ्री। अब अपने से क्या कह रहा है ये, अच्छा का होल मॉड भी है, तो होल मॉड की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वाई ग्राफ क्या है अपना अब एक्स एक्सिस है ऑलवेज, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब अपने को क्या कह रहा है वो एक्जैक्टली दो सॉल्यूशन चाहिए, कितने एक्जैक्टली टू सॉल्यूशन, तो दो सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगा, या तो अच्छा ये कर्व क्या है सिमेट्रिक है बिल्कुल है ना ऐसे, तो दो सॉल्यूशन कहां मिलेंगे, या तो एक लाइन क्या है वो टच करती हुई जाए इसको यहां पर, या फिर क्या हो थ्री से जस्ट ऊपर जाए तब भी क्या देगा ये आपको दो सॉल्यूशन देगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई इसका मतलब, या तो लैम्डा की वैल्यू एक्जेक्टली क्या हो 11 अपॉन 4 हो जाए, या लैम्डा की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 3 से जस्ट ऊपर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट विल कट गिवन ग्राफ इनटू एट टू एग्जैक्टली टू पॉइंट्स है ना, दो पॉइंट्स पर कट करेगी। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या है अपने को इंटीग्रल चाहिए, तो ये तो इंटीग्रल वैल्यू है नहीं, तो 3 से बड़ी इंटीग्रल वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी सीधे। तो क्या क्या हमने अपन ने सीधे ग्राफ बनाया, पहले एफ एक्स का ग्राफ बनाने के बाद अपन ने एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बना लिया, फिर अपन ने देखा मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ जो बनेगा वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि ग्राफ क्या है अपना अबव एक्स एक्सिस है। फिर उसके बाद हमने देखा कि लैम्डा जो लाइन बनेगी वाई इक्वल टू लैम्डा जो लाइन बनेगी वो ग्राफ को दो बार कट करे, तो वो कब कट करेगी, या तो एग्जैक्टली यहां पर टच करती हुई जाए तब दो सॉल्यूशन मिलेंगे मेरे को, या फिर 3 के ऊपर कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे तब भी क्या होगा दो सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। चलें आगे, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। चलो आगे हमें देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या करना है अपने को, कॉट इनवर्स ऑफ दिस, कॉट इनवर्स की एक सीरीज है वो इक्वल है एन पाई बाई 4 माइनस टेन इनवर्स 3 के, तो अपने को बता रहा है पूछ रहा है कि एन की वैल्यू क्या होगी। एक काम करते हैं पहले इसको अपन समेशन की फॉर्म में लिख लें, तो सिग्मा कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 3/4, और यहाँ आर की वैल्यू जो होगी 1 से लेके कहाँ तक एन तक, पहले मैं क्या निकालूंगा इसका सम ऑफ एन टर्म्स, उसके बाद मैं चलूंगा कहाँ पे इन्फिनिट टर्म्स का सम पर। तो एक काम करते हैं अपन इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, आपको पता है ना ऐसे क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, पहले अपन टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके फिर टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो 1 अपॉन में क्या हो गया ये आर स्क्वायर प्लस 3/4। अब एक काम करो आर की वैल्यू है ना टेंडिंग करिए 1 से लेकर एन तक, अब इसको आप क्या करो एक काम और करो इसमें टेन इनवर्स क्या लिख लो इसको आप, इसको लिख लो आप प्लस 1/4 ऐड करके और माइनस 1/4, तो उससे क्या होगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 1/4, और आर स्क्वायर माइनस 1/4 में क्या लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आर माइनस हाफ इंटू आर प्लस हाफ, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपका कुल मिलाकर सिग्मा ऐसे चल रहा है आपका है ना सिग्मा टेन इनवर्स 1 की जगह क्या आ जाएगा आर प्लस हाफ इन आर प्लस हाफ माइनस आर माइनस हाफ, ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या मिल जाएगा मेरे को आर स्क्वायर माइनस 1/4 मिल जाएगा, ठीक है ना, तो आर प्लस हाफ इंटू आर माइनस हाफ। अब ये देखो क्या बन गया टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी बन गया, तो इसको बना दो ऐसे इक्वल टू क्या बन गया ये आपका सिग्मा टेन इनवर्स ए बोले तो कौन आर प्लस हाफ माइनस टेन इनवर्स बी यानी कि आर माइनस हाफ, ये बन गया। और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है मेरी 1 से लेकर एन तक, अब इसको आप वैल्यू पुट करोगे रखोगे तो क्या होगा सारे टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, तो कौन से टर्म बचेंगे सेकंड और सेकंड लास्ट, तो यहाँ से आएगा आपके पास टेन इनवर्स एन प्लस हाफ माइनस टेन इनवर्स हाफ, ये बचेगा ये आएगा एस एन, लेकिन आपको क्या निकालना है एस इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी के लिए सम कर लो, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट टेन इनवर्स एन प्लस हाफ माइनस टेन इनवर्स हाफ, सही है। अब टेन इनवर्स इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा अपना पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस क्या आ गया ये टेन इनवर्स हाफ आ गया। अभी काम करते हैं अपन इसको इक्वल रख लेते हैं किसके एन पाई बाई फोर माइनस कॉट इनवर्स टेन इनवर्स थ्री के, देखो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स हाफ किसके इक्वल के मैंने अपने को एन पाई बाई फोर माइनस टेन इनवर्स थ्री के, तो ऐसा करो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स क्या बन गया अपना कॉट इनवर्स
cot inverse half उसको यहाँ ले आओ, किसको, tan inverse 3 को, और इक्वल टू में छोड़ दो बस n pi by 4। अब देखो इसको तो लिख लो क्या, tan inverse 2 plus tan inverse 3 equal to n pi by 4। अब यहाँ पर क्या है, a और b दोनों ही अपने पॉजिटिव हैं, और tan inverse a plus tan inverse b में यदि a और b दोनों पॉजिटिव हैं और a into b क्या आ रहा है, greater than 1, तो इसको अपन क्या करेंगे, अपन pi plus tan inverse, tan inverse a plus tan inverse b क्या हो जाएगा, tan inverse a plus b upon 1 minus a b, और equal to में क्या है n pi by 4। अब इसको कर लो सॉल्व, क्या आ जाएगा, ये तो माइनस वन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई फोर, पाई माइनस पाई बाई फोर कितना हो गया 3π/4, 3π/4 बराबर एन पाई बाई फोर, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो आंसर क्या आएगा, एन की वैल्यू 3 आएगी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है आपसे, इंटीग्रल है सॉल्व करना है ना, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, सॉरी के की वैल्यू निकालनी है, तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या करोगे बताओ, दो तरीके हैं, या तो इसको टी स्क्वायर रख दो आप, या फिर क्या करो आप इंटीग्रेशन में रूट एक्स से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, x अपॉन में अंडर रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx। अब क्या बन गया ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, कैसे सॉल्व करते हैं इसको अपन, ऊपर वाले को नीचे वाले का डेरिवेटिव बनाकर, डेरिवेटिव कैसे बनाओगे आप, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 2, तो इसमें मैंने क्या किया 2 से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया और फिर इसमें 2 घटा दिया और जोड़ दिया, तो आपके सामने कुछ ऐसा तैयार हो गया 2x प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस में आ जाएगा 2 अपॉन 2 बाहर आ गया ये dx और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसको लिख दिया मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना के एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। समझ गए हो गए कैसे है ना, ये तो सिंपल सा है काम। अब देखो इसका ऊपर डेरिवेटिव बैठा हुआ है तो नीचे वाले को t पुट करोगे तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा dt, तो अपने को इंटीग्रेशन किसका करना होगा 1 अपॉन रूट t का, और 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 रूट t, तो ये हो गया 2 अंडर रूट t, t बोले तो कौन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम, यानी कि अंडर रूट ऑफ जो था क्या था ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x था प्लस सी। यहां तक बात बन गई, अब आगे चलो ये तो 2 से 2 काट ही दो, ऐसा करो क्या बचा अपने पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ln। अब देखो अपने पास जो दे रखा है ना, पूछ रहा है ये क्या पूछ रहा है ये, तो आप ध्यान से देखो ना, इसका जब स्क्वायर करोगे आप तो क्या मिलेगा, देखो इस ऊपर वाले का स्क्वायर करो तो x प्लस 2 प्लस एक्स तो कितना हो गया 2x प्लस 2, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 2x प्लस 2 प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप देखो वही है ये लिखा हुआ जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 कॉमन ले लो इन सब में से, तो अंदर क्या बन जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो बन रहा है नहीं बन रहा है ये सेम बन रहा है, इसका मतलब इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है अपने को, और कैसे लिखना है वो, इसको आप क्या करो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करो 2 से, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो इसको आप, ठीक है, तो ऊपर वाला क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया किसका, होल स्क्वायर बन गया किसका इसका, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है आपको मोड के अंदर ये पूरा इसका होल स्क्वायर बन गया, तो 2 आगे आ जाएगा होल स्क्वायर करोगे तो, और फिर 2 यहाँ आगे आ जाएगा तो 2 आप कॉमन ले लेना तो यहाँ पर नीचे 2 आ जाएगा, तो कुल मिला के की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 2 आएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे आप आराम से है ना, बना लोगे। फोर्थ क्वेश्चन, लेट पी क्यू आर आर सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट दिस एट रैंडम, दी प्रोबेबिलिटी दैट 2 to the power p plus 3 to the power q plus 5 to the power r मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, तो उसके लिए अपने को बताना है कि यदि उसकी प्रोबेबिलिटी p है तो बताना है 10 p की वैल्यू क्या होगी। चलो पहले तो इसका सैंपल स्पेस लिख ले अपन, तो सैंपल स्पेस आओ क्या आएगा, सैंपल स्पेस आ जाएगा पी क्यू आर जो तीन अपने अननोन नंबर है उनको अपन कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ सेट विच हैव 10 एलिमेंट्स, तो क्या हो जाएगा 10 × 10 × 10, तो ये तो कितना आ गया अपने पास 1000, तो सैंपल स्पेस आ गया अपने पास 1000। अब अपन फेवरेबल आउटकम की बात कर लेते हैं, तो फेवरेबल फेवर कौन करेगा, देखो 2 की पावर p प्लस 3 की पावर q प्लस 5 टू द पावर r, ये डिविजिबल होना चाहिए किससे 4 से, तो देखो दो केस बनाऊंगा मैं इसमें, एक बार मैंने p की वैल्यू 1 ले ली, अब q की वैल्यू क्या क्या हो सकती है सोचो आप, तो एक काम करो उससे पहले थोड़ा समझो आप, इसको मैंने लिख लिया 2 टू द पावर p प्लस, जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो इसमें ना दो बातें होंगी, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से 4 माइनस 1 की पावर q प्लस 4 प्लस 1 की पावर r, लिख लिया। अब जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो कैसे खुलेगा ये आपको पता है, एन सी जीरो ए टू दी पावर n माइनस r बी टू दी पावर r चलता है, जीरो फिर उसके बाद है ना a प्लस बी टू दी पावर n, क्या होता है एन सी जीरो ए टू दी पावर n बी टू दी पावर जीरो चलता है अपना सीरीज पूरा एक्सपेंड होती है, तो क्या होगा वो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा जिसमें 4 नहीं आएगा, और वो सिर्फ एक ही टर्म होगा जिसमें लास्ट में क्या होगा
4 की पावर 0 और माइनस 1 की पावर क्या आ जाएगी, क्यू। तो बस मैं उसी टर्म की बात कर रहा हूं, माइनस 1 की पावर क्यू जिसमें आएगी और यहां पर जिसमें प्लस 1 की पावर आर आएगी। मैं सिर्फ उस टर्म को ले लेता हूं, बाकी सब टर्म से कोई मतलब नहीं है जिनमें 4 आ रहा होगा, क्योंकि दोज ऑल टर्म्स विल बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। और यहां पर क्या आ गया, 2 की पावर पी। ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात, तो पी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। ये तो कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि माइनस वन की पावर कुछ भी हो या तो माइनस वन आएगा प्लस वन आएगा, और प्लस वन की पावर कुछ भी हो ये हमेशा प्लस वन आएगा। तो इसके लिए तो सोचने की जरूरत नहीं है ना, आर की वैल्यू तो क्या हो सकती है, कोई भी हो सकती है ना, 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले लो आप, हमेशा क्या आएगा 1। लेकिन इसमें पावर यदि इवन होगी तो पॉजिटिव आएगा 1 और ऑड होगी तो नेगेटिव आएगा 1। ठीक है ना, अब 2 की पावर पी में आप देखो, पी की वैल्यू यदि मैं 1 ले लेता हूं तो ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 2। अब बचे हुए जो टर्म्स हैं उनका सम यदि 2 आ जाए तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि p की वैल्यू अपने 1 ले ली तो माइनस 1 की पावर यदि इवन बन जाए तो फिर ये प्लस 1 हो जाएगा, और ये तो प्लस 1 पहले से है तो कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, q मस्ट बी इवन, और इवन टर्म्स अपने कितने हैं, इवन नंबर कितने हैं इसमें 5। तो इसको भरने के तरीके कितने हो गए 5, तो q को सेलेक्ट करने के तरीके 5, r को सेलेक्ट करने के तरीके 10 और p की सेलेक्ट करने का तरीका 1, दैट इज 1। तो इसके कितने तरीके आ गए अपने पास, 50 आ गए। अब सेकंड केस जिसमें p की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो p की वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो उन सब केसेस में क्या होगा, 2 की पावर जब 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी या 2 होगी तो दैट दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, जब p की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1। तो इसको बढ़ने के तरीके कितने हो गए, p को सेलेक्ट करने के तरीके हो गए 9। अब आ जाते हैं क्यू पर, तो अब ये नंबर यदि 4 से डिविजिबल है इसका मतलब इसमें आप 2 को जोड़ नहीं सकते, है ना। अब आपके पास कंडीशन क्या है कि इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट होना पड़ेगा, कैंसिल आउट होंगे तभी ये नंबर जो बचा हुआ रहेगा ये दैट विल बी डिविजिबल बाय 4। तो ये नंबर कब कैंसिल आउट होंगे, जब इसकी पावर क्या होगी, ऑड, क्यों, क्योंकि ये माइनस 1 रहेगा ये प्लस 1 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको ऑड होने के लिए कितने तरीके होंगे इसके पास, 5, और उसके पास तो कुछ भी करो आप 10, तो ये कितना आ गया अपने पास 9, 5 = 45, 450 आ गया। तो टोटल फेवरेबल केस कितने आ गया अपने पास 500, टोटल कितने थे 1000, तो 500/1000 कितना आंसर आ गया मेरा 1/2, तो प्रोबेबिलिटी पी कितना आ गया हाफ, और मेरे से पूछ रहा है वो 10p, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax2 + bx + c = 0 हैज इक्वल रूट्स, रूट्स इक्वल हैं इसका मतलब क्या हो गया, b2 - 4ac = 0 हो गया। और कह रहा है वेयर ए बी एंड सी डिनोट्स द लेंथ ऑफ साइड्स अपोजिट टू द वर्टेक्स ए बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी रेस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ sin a / sin c + sin c / sin a। एक काम करो आप, इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा sin² a + sin² c / sin c। आप एक काम करो, इसमें साइन रूल लगा दोगे तो a अपॉन, आपको पता है a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इक्वल टू क्या, सर्कम रेडियस का डबल, यानी कि आ गया 2r। तो एक बात बताओ मेरे को आप, इसमें आप रिप्लेस कर दोगे इसको, तो रिप्लेस करके कुल मिला के क्या आने वाला है आपके सामने, आपके सामने आने वाला है, अच्छा बीच में प्लस था क्या, प्लस है, तो आपके सामने क्या आने वाला है a² + c² / ac ये आने वाला है। अब एक बात बताओ मेरे को आप, यदि आपके दे रखा है b² - 4ac = 0, तो एक काम करते हैं अपन, कोसाइन फॉर्मूला लगाते हैं पहले, तो किसके लिए अपन लगा लेते हैं, एंगल b के लिए, किसके लिए, एंगल b के लिए, क्यों, क्योंकि a² + c² आ रहा है। तो आपको पता है कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है, cos b इक्वल होता है किसके, a² + c² - b² / 2ac। तो यहां से क्या मिल गया मेरे को, यहां से मेरे को मिल गया, एक काम करते हैं b² की वैल्यू पुट कर दो, कितनी 4ac, तो 4ac रखोगे तो क्या आ जाएगा a² + c² - 4ac / 2ac इक्वल टू क्या हो गया, cos b, सही है ना। तो ac से ac कट गया, अलग अलग करोगे तो अपने को चाहिए क्या, इसमें अपने को चाहिए a² + c² / ac। तो एक काम करो, 2 को तो यहां भेज दो, तो 2 cos b हो गया, और इक्वल टू में क्या बच गया अपने पास, a² + c² / ac प्लस यहां पे ac से ac कट जाएगा, क्या बचेगा 4 को वहां ले जाओ, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका a² + c² / ac। अब इसकी रेंज निकाली थी ना आपको, रेंज निकालने का मतलब क्या हुआ, इसकी रेंज निकाल लूं मैं, आपको पता है cos b, b की जो एंगल है वो क्या होगा, 0 से लेकर कहां तक हो सकता है, 180 के बीच में, 0 से 180 के बीच में हो सकता है। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, -1 से +1। इसकी रेंज यदि -1 से +1 है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेंज क्या बन जाएगी, -2 से +2। अब -2 से +2 जो रेंज आएगी उसमें आप क्या जोड़ोगे अपना, ओपन इंटरवल में 4 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा इंटरवल मेरा 2 से 6। तो क्या आ गया, 2 से 6 आ गया इंटरवल इसका, यानी कि इसकी जो रेंज है वो क्या आ रही है, 2 से 6,
तो आप आराम से इंटीजर निकाल सकते हो, कितने इंटीजर होंगे, चलें आगे। सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर, कंसीडर पॉइंट पी दिस ऑन द हाइपरबोला दिस, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी इंटरसेक्ट द एजिम्टोट्स ऑफ हाइपरबोला एट क्यू एंड आर, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू आर इज लेमडा देन वैल्यू ऑफ लेमडा बाई सिक्स इज कितनी होगी, वेयर सी इज द सेंटर ऑफ हाइपरबोला। तो एक बात तो मैं बता दूं, मान लो ये हाइपरबोला है आपके सामने और ये इसके एसिम्प्टोट्स हैं, ठीक है, और आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी किसी पॉइंट पे, तो आपको ये पता होना चाहिए, मान लो ये क्यू है, ये आर है, ये सी है, ठीक है, तो इसका जो एरिया आता है, इसका जो एरिया आता है ट्रायंगल का, वो क्या आता है, ए इंटू बी आता है, एरिया क्या होता है, ए इंटू बी, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4 और बी की वैल्यू कितनी है 3, तो आपके पास एरिया जो है 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया, तो एरिया हो गया 12, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 6 इक्वल टू कितना है 12, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, लैम्डा की वैल्यू आ गई 12 6 जा 72, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 72 आ गई आपकी। तो आपसे देखो ये तो कह रहा था आपसे कि ट्राइंगल एसिमटोट ऑफ हाइपरबोला को कहाँ कट करता है, ये क्यू पर और आर पर, और आपसे क्या कह रहा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू आर क्या है, लैम्डा सी क्यू आर, इसका एरिया कितना है अपना लैम्डा, तो लैम्डा बाई 6 की वैल्यू निकालनी थी, एक मिनट रुको, एरिया ऑफ सी क्यू आर कितना है लैम्डा, तो एरिया यदि लैम्डा है तो ए बी की वैल्यू लैम्डा है ना अपने पास, और ए बी की वैल्यू लैम्डा है, एक मिनट, ए बी की वैल्यू यदि लैम्डा है तो ए बी कितना है अपने पास 4 × 3, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 12, और लैम्डा की वैल्यू आ गई 12, इसका मतलब क्या हो जाएगा अपना, लैम्डा अपॉन 6 की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो 12 अपॉन 6 कितना आ जाएगा 0 2, लैम्डा अपॉन 6 कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को आप याद रखें, बाकी इसको कर भी सकते हो आप आराम से, है ना, पॉइंट अपने को दे ही रखा है, पी पॉइंट है ना, कर सकते हो उसको आराम से वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 7, क्यू इज द इमेज ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन दिस, दी डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज अंडर रूट ऑफ पी अपॉन क्यू, एक काम करो आप, पी पॉइंट दे रखा है जो कि क्या है, क्यू इज द इमेज ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू प्लेन दिस, एक प्लेन दे रखा है अपने को और उस प्लेन के रेस्पेक्ट में इमेज दे रखी है किसकी, 1, -2, -3 की, कौन है क्यू, कौन है क्यू, तो आपसे कह रहा है प्लेन की इक्वेशन अपने को दे रखी है x - y + z - 7 = 0, ठीक है, अब अपने को क्यू की इमेज कह रहा है और क्या कह रहा है साथ में, उसकी डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो एक काम करते हैं पहले तो अपन क्या निकालते हैं, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो बताओ क्या जाएंगे, x - x1 / a = y - y1 / b = z - z1 कितना हो गया 3 अपॉन में c = -2 times of, बताओ क्या हो जाएगा, रख दो पॉइंट को, 1 + 2 + 3 - 7 अपॉन में क्या आएगा a² + b² + c², यानी कितना हो गया ये 3, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया 6 - 7 = 1/3, माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो गया 2/3, तो ये आ गया 2/3, और यहाँ क्या आ रहा है x - 1 / y + 2/-1 = z - 3/1, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी 5/3, y की वैल्यू लिख लूँ मैं, x की वैल्यू 5/3, y की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, -2/3 - 2, यानी कि 3 × 6 = 8, तो माइनस का 8/3, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 3 = 11, तो 11/3, एक्स वाई जेड मिल गया आपको, अब इसकी डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से, कर लोगे ये वाला काम, अंडर रूट ऑफ क्या आएगी 70/3 आएगी, ठीक है कर लोगे, चलें आगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 70/3, यानी कि 73 आ जाएगा इसका आंसर, है ना 73 आ जाएगा, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या कह रहा है ये, कंसिडर दी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस, इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज -a/b, तो ए माइनस बी निकालना है, तो एक काम करो मैं समझाता हूँ इसको आपको, सबसे पहले एक काम करो आप इसमें अलग अलग कलर थोड़ा सा इसको, एफ एक्स इक्वल टू लिख लो x² + (0 to 1) और x(ft + 0 to 1) t(ft) / dt, ठीक है यहां भी क्या आएगा dt। अब एक बात सोचो आप, ये क्या है, एक कॉन्स्टेंट नंबर ही तो है, एक वैल्यू तो आएगी निकल के ये इंटीग्रल की, तो इसको मान लिया a और इसको मान लिया b, और ये क्या है अपने पास x², तो आप देखो ध्यान से, तो एफ एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन नजर आ रहा होगा आपको, तो एफ एक्स यदि क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो x को यदि मैं t से रिप्लेस कर दूं तो ft क्या हो जाएगा t² + at + b, ये आ जाएगा। तो एक काम करो आप, छोटा सा कुछ नहीं करना आपको, देखो ये बताओ मेरे को आप, यदि आपके सामने मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स निकालनी है, तो एफ एक्स फंक्शन निकालने के लिए एक काम करो छोटा सा,
क्या करोगे, ये जो फंक्शन दे रखा है ना fx, fx जो फंक्शन दे रखा है उसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया है ना, इस फॉर्मेट में लिख लिया मैंने, ठीक है। तो एक काम करो आप, इसको ft को, किसको ft को 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट कर दो वैल्यू रख के, ठीक है। तो बताओ fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, fx इक्वल टू आ जाएगा ft की वैल्यू यहां पुट कर दो और यहां पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा देखो आप, fx बराबर में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 t स्क्वायर प्लस at प्लस b इंटू dt प्लस 0 से 1 t इंटू t स्क्वायर प्लस at प्लस b dt। अब कुछ नहीं करना आपको, इसको सॉल्व करना है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। इसको देखो, इसको बैठा दें यहां से, देखो अपने को चाहिए ना बस वो रख लो, क्या चाहिए अपने को, x fx बराबर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस x इंटू, यहां बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, t क्यूब बाई थ्री प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, टी क्यूब बाई थ्री प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू प्लस बी टी, और लिमिट लगानी है मेरे को 0 से 1, क्लियर। प्लस यहां पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, टी क्यूब और टी क्यूब का इंटीग्रेशन, टी टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस फिर क्या आएगा, ए टी क्यूब अपॉन 3 प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया। और लिमिट क्या लगानी है अपने 0 से 1, ठीक है, लिमिट क्या लगानी है 0 से 1, कैलकुलेशन चेक कर लेना बस, है ना, ठीक है, ये आ गया। अब लिमिट लगा दो इसमें, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू, यहाँ तो 1 रखोगे तो सारा क्या हो जाएगा सही रहेगा, और 0 रखने पे सारा 0 हो जाएगा, तो 1 रखने पे क्या आ रहा है 1 बाई थ्री प्लस ए बाई टू प्लस बी, और यहाँ क्या आ जाएगा देखो 1 बाई फोर प्लस ए बाई थ्री प्लस बी बाई टू, बाकी सब पे क्या हो गया वो 0 हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, ये वैल्यू किसकी है, ये ए की ही तो वैल्यू है, ये तो ये वैल्यू है ए की और ये वैल्यू है बी की, तो इसको ए के इक्वल रख दो और इसको बी के इक्वल रख दो, उनको सॉल्व कर लो, ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी, और ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी तो फंक्शन क्या आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा अपने पास, और फंक्शन एफ एक्स आ जाएगा तो फिर आराम से उसकी आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, या तो आप निकाल लेना माइनस डी अपॉन फोर ए, या निकाल लेना आप क्वाड्रेटिक उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाकर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th, ए इज अ सेट कंटेनिंग 10 एलिमेंट्स, ए सबसेट पी ऑफ ए इज चोजन एट रेंडम एंड द सबसेट एंड द सेट ए इज रिकंस्ट्रक्टेड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ पी एंड द सेट ए इज रिकंस्ट्रक्टेड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ पी अनदर सबसेट क्यू ऑफ ए ऑफ सेट ए इज नाउ चोजन एट रेंडम इफ द प्रोबेबिलिटी दैट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, पी और क्यू में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो अपने को उसकी प्रॉबिलिटी क्या है, ए अपॉन बी की पावर 10 है, देन वैल्यू ऑफ 4a माइनस 3b क्या होगी। तो एक काम करो आप, छोटा सा पहले तो आपसे देखो क्वेश्चन में सिंपल सा ये कह रहा है कि एक p है और एक q, ये सबसेट बनाए गए किसके, सेट a के। अब आपसे कह रहा है कि अपने पास ना p और q का जो इंटरसेक्शन है ना वो फाई आना चाहिए, क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए, तो अपन कैसे चूज कर सकते हैं, तो इसको आप ऐसे समझो सिंपल सा कि सेट p और सेट q में अपने एलिमेंट्स लिए, मान लो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं अपने पास 10, तो मान लो मैंने पी में एक वन एलिमेंट नाम का एलिमेंट लिया, वन, तो वन इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये बन गई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वन इसमें नहीं हो लेकिन इसमें हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वन दोनों में हो या फिर दोनों में ही ना हो, तो कब इंटरसेक्शन फाई आ रहा है मेरे को बताओ आप, इस केस में इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा, इस केस में इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा, और लास्ट वाले केस में भी इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों का फाई आएगा, बस एक केस है जिसमें क्या है, दोनों का यूनियन है, मतलब दोनों का क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट आ रहा है, दैट इज वन, जैसे मैंने वन के साथ किया वैसे टेन के साथ होगा, वैसे ही टेन के साथ होगा, तो ये बताओ मेरे पास टोटल क्या हो गया इसमें, फेवर कौन कर रहा है मेरे को, वन टू और ये थ्री, तो फेवर आउटकम कितने हो गए मेरे तीन, और टोटल आउटकम कितने हो गए इसमें मेरे चार, और ये कितने एलिमेंट्स हैं मेरे पास 10, तो सीधे आंसर क्या आएगा 3/4 की पावर 10, और अपने पास 3/4 की पावर 10 क्या कह रहा था, ये दे कितनी रखी अपने को प्रोबेबिलिटी, ए अपॉन बी की पावर 10, तो ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 और 4 आ गई, और ए और बी की वैल्यू थी 3/4 है, तो 4a माइनस 3b क्या हो जाएगा, 4a माइनस 3b 12 माइनस 12 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीसीएम का मेजर का सॉल्यूशन,
तो इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।